हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई होप आप सब खेरे से होंगे मैं हूं आपका दोस्त कैनेडियन पाकिस्तानी व्लागर आसिम सर फ्राम आसिम सर प्रोडक्शन इस वक्त मैं मौजूद हूं जी एक इमिग्रेशन ऑफिस में हमारे साथ आर सी uh, मानी विग जी जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं वैनकूवर सरी में इनका अपना इमिग्रेशन ऑफिस है और uh, मैंने बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ इनके देखे हैं इनके लोगों से बड़ी बड़ी बा, अच्छी इनकी बात अच्छी बातें सुनी है कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वर्क परमिट में काफ़ी एक्सपर्ट हैं अब इनसे इसीलिए हम इस इस वजह से आ हैं कि हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपके इतने अच्छे लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं लोग इतना अच्छा आपके बारे में बात करते हैं तो आप किस तरह से वर्क परमिट को डील करते हैं किस तरह से आपके पास कैसे कैसे लोग आते हैं क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे और सीज पाकिस्तानी इंडियंस आते होंगे आप दुबई सऊदी से काफ़ी लोग आते होंगे तो कौन सी आपके पास ज़्यादातर जॉब्स अवेलेबल होती हैं और कैसे कैसे काम करते हैं वर्क परमिट का पहले तो सबको सलाम नमस्कार और सत Um, सारे व्यूअर्स जो भाई साहब के व्यूअर्स हैं पाकिस्तान में स्पेशली इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर सबको व uh, सलाम और सत हाँ जी हमारे को ऑलमोस्ट uh, uh, बहुत मतलब धाका हो चुका है काम करते हुए हमारे जी. को हम बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन साइड एंड आउटसाइड कैनेडा बेसिकली वी डू अ लॉट ऑफ वर्क परमिट्स आप कह है सकते हैं uh, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर स्पेशली आपको पता होगा ड्यू टू कोविड देर इज अ लॉन्ग शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स इन साइड कैनेडा तो वी फैसिलिटेट वी आर एक्चुअली अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय वी ट्राई टू फैसिलिटेट एवरी थिंग लीगली अच्छा तो हाँ जी हम हेल्प करते हैं लोगों की टू इवन कम टू कैनेडा एज अ वर्कर बेसिकलीफ यू आर कमिंग टू कैनेडा एज अ वर्कर इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स योर परमनेंट रेजिडेंसी मैं भी उस कश्ती में सवार था ऑलमोस्ट सात आठ साल पहले पर ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ सही चल रहा right, है right, right. तो ज़्यादातर एक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फेमस है कनाडा का अक्सर आप भी देखते रहते होंगे सब विजिटर वीजा टू तो वर्क परमिट काफ़ी कन्वर्जन पॉलिसी बहुत काफ़ी आसानी है इसमें तो ये कैसे किस तरह काम करता है ड्यू टू कोविड नाइन्टीन आपके आपको शायद पता ही होगा गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है mm -hmm. अगर आप कैनेडा के अंदर एज ए विजिटर हैं बिफोर यूर यू हैव टू गो कंट्री आउट आपको कंट्री से बाहर जाना पड़ता था नाउ यू कैन अप्लाई विद इन कैनेडा अप्लाई कर सकते हैं एज अ वर्कर ट्रांजेशन फ्रॉम अ विजिटर टू अ वर्कर हमारे पास बहुत ओपनिंग्स हैं अगर आपके श्रोताएँ सुन रहे हैं हमारे पास ओपनिंग्स प्री अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स नॉट स्मॉल बिग एम्प्लॉयर्स एक्टिवली एक्टिवली रिक टू रिक्रूट द राइट फिट फॉर देर कंपनी राइट right. हाँ ठीक है तो ज़्यादातर वैसे कौन सी जॉब आक्यूपेशन ज़्यादा डिमांड में होती है। अगर हैं अगर लोग आते हैं विजिटर वीज़ा पर तो उनको कौन सी जॉब्स के लिए ज्यादा सर्च करना चाहिए किस में ज़्यादा चांस होते हैं वर्क परमिट मिलने के डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ फॉर एन इंस्टेंस अगर आप पाकिस्तान या इंडिया के अंदर आपका खुद का बिजनेस था आपके श्रोताओं का खुद का बिज़नेस छोटा सा लगा के चले आपका कपड़े के व्यापारी थे आप इंडिया के अंदर अच्छा okay. आप कपड़े के व्यापारी थे यू आर आप वहाँ पर मैनेजर या ओनर थे यू इफ़ यू हैव इन एक्सपीरियंस यू फॉर रिटेल स्टोर मैनेजर रिटेल स्टोर सुपरवाइजर और एनी थिंग टू डू विद ऑफिसज क्योंकि आपके पास गैदर्ड एक्सपीरियंस है यू आर क्वालिफाइड एंड वी हैव एक्चुअली टू बी मोर प्रिस वी हैव इम्प्लॉर्जिवली करेंटली लुकिंग टू फिल दैट स्पॉट लोकली राइट एक मुझसे एक और सवाल है जो लोग अक्सर कमेंट भी करेंगे आ, जो फ्लैग पोलिंग प्रोसीजर था पहले भी ये अभी भी है कोविड के बाद उन्होंने 2023 आई थिंक फरवरी तक उन्होंने उसको थोड़ा सा इजी किया तो ये अभी तक है ये किस तरह से चल रहा है हाँ जी तो? ये अभी तक दुरुस्त है ये अभी तक चल रहा है प्रोग्राम फ्लैग पोलिंग फॉर एन इंस्टेंस ये तो बहुत पुराने दहाके से चल रहा है अगर आपके कोई कैनेडा के अंदर विजिटर हैं कोई श्रोता हैं वो चाहते हैं दे वॉन्ट टू चेंज द स्टैरस फ्राम अ विज़िटर टू अ वर्कर Uh, वो आपको कांटेक्ट करके या हमें कांटेक्ट कर कर वी कैन फैसिलिटेट देम द्लीस हम हम उनको समझा सकते हैं दिखा सकते हैं कि हम कैसे हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वी आर लीगल आर सी आई सीज हमें वी आर गवर्नमेंट रेगुलेटेड है जी जी हाँ तो जी और एक चीज़ मानी जी मुझे आपकी बहुत ज़बरदस्त लगी है आपके पास आने का मकसद ये था कि मैं आपके पास पूरी टीम है जी आपके पास चार पांच कंसल्टेंट्स मैंने एट अ टाइम हमेशा मैं पहले भी आया था दो तो तीन दफ़ा यहाँ पर और आपको पता है कि मेरा एक अपना एक होता है मैं देखता हूँ जाके लोग क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में इमिग्रेशन के नाम पे फ्रॉड और स्कैम भी बहुत ज़्यादा चल रहा होता है तो इसीलिए यू हैव तो टू बी वेरी केयरफुल अगर आप किसी के पास जाते हैं लोग इतने लाखों में लोग देखते हैं हाँ, तो डेफिनेटली लोगों का एक आप एक क्रेडिबिलटी का भी एक पॉइंट होता है तो जो फ्रॉड जो स्कैम मार्केट में होता है इससे किस तरह बचना चाहिए लोगों को देखिए अगर किसी श्रोताओं आपके श्रोताओं को स्पेशली एक आर सी सी वेबसाइट है आप जाकर पहले तो चेक करें कि आपका जो कंसल्टेंट है चाहे हम हो गए या कोई एनी बडी पहले उनको चेक करें देट देर रीगली दैट दे आर रेगुलेटेड इन द मार्केट अगर वो रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं देन उनको चेक करके उनकी हिस्ट्री चेक करें उनसे सी को कॉन्टैक्ट करके पूछें कि आर आर दे कंप्लाइंग विद जी एवरी थिंग इन कंप्लाइंट हैं तब आप उन पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वी आर रेगुलेटेड बाय द कनेडियन गवर्नमेंट राइट right. हाँ जी चले मानी जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आपने आ, अपना टाइम दिया आपका इतना कीमती टाइम था बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ ये थे जी मानी जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इस वक्त वैनकूवर सरी में इनका अपना इमिग्रेशन ऑफिस है और इनकी बहुत एक प्रोफेशनल टीम है चार से पाँच कंसल्टेंट्स इनके ऑफिस में होते हैं और इनका यहाँ पर सरी में इस वक्त रनिंग में ऑफिस है आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहें इनसे से कॉन्टैक्ट करना चाहें कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पर होगा स्क्रीन पर भी होगा अब वर्क परमिट के बहुत सारे इनके क्लाइंट्स मैं उनसे मिला हूँ और मैंने इनके बारे में अच्छे रिव्यूज़ सुने तो इसीलिए मैं आज इनके पास आया हूँ और मानी जी मेरी तरफ से आपको दिवाली मुबारक दिवाली मंडे को Thank आ रही है तो आई होप हम भी पार्टिसिपेट करेंगे आपकी दिवाली में Thank और ये एक चीज़ कनाडा में बहुत अच्छी है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी है जी मल्टी कल्चर है ईद होती है या फिर विशाखी होती है या फिर अब कोई भी इवेंट होता है दिवाली होती है तो लोग सारे घुल मिल जाते हैं मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सारी चीज तो चलें थैंक यू सो मच मानी थैंक यू थैंक यू चलें जी अपना ख्याल रखेंगे आपसे मिलते हैं वीडियो में